खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सोमवार को लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिलने मुंबई के एनसीबी ऑफिस वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे। उनके साथ उनके गुट के एनसीबी विधायक भी थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा, कल मानसून सत्र शुरू होने से पहले हमने उनसे आशीर्वाद लिया था, आज सत्र शुरू होने पर हमने दोबारा पवार साहब का आशीर्वाद लिया। पटेल ने कहा, मीटिंग में हमने पवार साहब से निवेदन किया कि वे पार्टी को एकजुट रखें, उन्होंने हमें सुना पर कोई जवाब नहीं दिया। 16 जुलाई को भी अजित पवार विधायकों के साथ शरद पवार से मिले थे, तब प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हमने पैर पकड़कर शरद पवार जी का आशीर्वाद लिया, हमने उनसे एनसीबी में एकजुटता और मजबूती को लेकर अपनी बातें रखी, उन्होंने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पटेल ने कहा, हमें जानकारी मिली थी कि शरद पवार साहब यहाँ मौजूद है तो हम बिना उन्हें बताए वहाँ आ गए। वहीं शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा, मुझे सुप्रिया सुले का फोन आया था, उन्होंने मुझसे जल्दी वाईबी चौहान सेंटर पहुँचने को कहा था, मुझे नहीं पता था कि अजित पवार और अन्य विधायक यहाँ क्यों आए थे। सूत्रों के मुताबिक रविवार को अजित से मीटिंग के बाद शरद पवार ने उनके गुट के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी प्रगतिशील राजनीति जारी रखेंगे और कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ, धन्यवाद।